अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच यवतमाल इकाई की तरफ से यवतमाल जिला अध्यक्ष अधिवक्ता भरत ओरा के नेतृत्व में यवतमाल जिला व सत्र न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के सम्मेलन का आयोजन यवतमाल जिला बार एसोसिएशन और अखिल भारतीय संयुक्त मंच महाराष्ट्र प्रदेश द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष भरत ओरा को मंच के प्रदेश संरक्षक का नियुक्ति पत्र अधिवक्ता प्रदीप जायसवाल के हाथों प्रदेश अध्यक्ष विलास रावत की विशेष उपस्थिति में प्रदान किया गया है। कार्यक्रम में सभी अधिवक्ताओं ने एक स्वर में राजस्थान की तर्ज पर महाराष्ट्र में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने का पुरजोर समर्थन करते हुए हर लड़ाई लड़ने की तैयारी दिखाई। महाराष्ट्र प्रदेश के समन्वयक नागपुर मंच के जिलाध्यक्ष एडवोकेट CH शर्मा ने सम्मेलन में कहा कि देश की किसी भी अदालत में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं का न्याय प्रक्रिया में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसलिए अधिवक्ता या कोर्ट ऑफिसर भी है, जिसके बिना कोर्ट में किसी भी मामले का निपटारा संभव नहीं होता। अधिवक्ता की व्यक्तिगत आर्थिक सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न खड़ा होने से ही एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बिल राजस्थान में लाया गया और उसे लागू कर दिया गया। अब इस बिल को महाराष्ट्र सहित पूरे देश में लागू करवाना हम वकीलों की जिम्मेदारी है। देश में कई राज्य इस बिल को गंभीरता से नहीं ले रहे, अतः हमें एकजुटता दिखाते हुए इसे लागू करवाना ही होगा। मंच के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट विलास रावत ने जोधपुर की घटना को याद करते हुए कहा कि कैसे वहां पर एक वकील की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इसके बाद वकीलों ने खूब संघर्ष किया और अतः हमें वहां पर वकीलों ने एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पारित करवा ही लिया। हमें भी राज्य में एकता दिखाकर इस बिल को पास करवाना होगा। इस अवसर पर यवतमाल जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय जैन, सचिव अनिल बजाज, पूर्व अध्यक्ष रवि बटनोरे आदि ने यवतमाल के अधिवक्ताओं की समस्या पर प्रकाश डालते हुए वकीलों की सीटिंग व्यवस्था और नई इमारत का प्रस्ताव पारित कर उसे मंजूरी दिलवाने की जानकारी दी है। अधिवक्ता जय चमेलिया, संजय कोचर, जय सिंह चौहान सहित अनेक अधिवक्ताओं ने अपने विचार रखते हुए कहा कि यह मंच एक गैर राजनीतिक संगठन है और देश के सभी वकीलों के कल्याण के लिए कार्यरत है, अतः इसमें सभी का समर्थन अपेक्षित है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में यवतमाल जिला सत्र न्यायालय के महिला पुरुष अधिवक्ता उपस्थित थे। बिल लाया गया था, वो बिल इंप्लीमेंट नहीं हो पाया और राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट एक ऐसी पहली राज्य सरकार है कि जिसने अधिवक्ताओं के प्रोटेक्शन के लिए बिल लाया, पास किया और उसे इंप्लीमेंट किया। अब इस मंच ने अपने कार्य की जो शुरुआत है वो 2021 से करके 31 मार्च 2023 को ये इंप्लीमेंट करवाया है और तब से हमारा यह मंच कार्यरत है और तभी से हमारे साथ में महाराष्ट्र के कुछ जिलों के अधिवक्ता लोग संबद्ध हैं।